कैसे करें डॉट कॉम से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जानकारी देने वाले हैं आपको MI मोबाइल के बारे में कि अगर आपके पास में है ये वाला मोबाइल और आप जब वो फ़ोटो खींचते समय आपका जब वो उंगली शटर तक नहीं पहुंचती, यानी बटन तक नहीं पहुंचती और आप चाहते हैं कि इस फिंगरप्रिंट के ज़रिए जब वो आसानी से आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकें तो कैसे कर सकते हैं। ये एक खास ट्रिक है, एक सेटिंग्स है जिसके ज़रिए जो वो आसानी से आप ये जब वो कर सकते हैं। तो आपको जो इसके लिए कुछ खास बड़ा नहीं करना और इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, सेल्फी खींचना चाहते हैं या कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप मतलब इसको कैसे बटन दबाने में आपको ऐसे उंगलियों को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा और ऐसे आपको बटन दबाना पड़ेगा, काफ़ी प्रॉब्लम भरी बात जो वो ये हो जाती है अभी। लेकिन जब अगर आपके पास में ये फिंगरप्रिंट है तो आप फ़ोन को इस तरफ घुमाएंगे और सबसे आसान है, बस आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट टच करना है। ये देखिए, बस उंगली टच कीजिए, फ़ोटो आपकी ऑटोमेटिकली सेकंडों में जो वो कैप्चर हो जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह की सेटिंग जो वो कैसे कर सकते हैं वीडियो को अंत तक देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे करें। फिंगरप्रिंट शटर बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं कैमरे में हूँ यहाँ पर और अगर मैं यहाँ से फिंगरप्रिंट को चूज़ करता हूँ तो फ़ोटो जो वो ऑटोमेटिकली नहीं ली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट को आप जब वो क्लिक करें तो यहाँ पर फ़ोटो जब वो ले ली जाए, तो आप सेटिंग्स में चले जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है फिंगरप्रिंट शटर, आप इस पर ओके कर दीजिए। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ओके करेंगे, आप फील करेंगे कि यहाँ पर, ये देखिए मैं ओके करता हूँ, ओके ये लीजिए, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर देखिए उंगली अगर हम रखते हैं तो फ़ोटो ऑटोमेटिकली ले ली जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जब वो फ़ोटोज़ को ओके कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं। कई बार हमारा हाथ रीच नहीं कर रहा होता फिर भी जो वो हम लोग इससे फ़ोटो आसानी से खींच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी खास जानकारियाँ फ्री में हमेशा आपको मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।